रूस और यूक्रेन के बीच डोनेस्क में एक बार फिर भीषण संघर्ष देखने को मिल रहा है। रूस ने बीती रात मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला कर यहां भीषण तबाही मचाई। BM-21 ग्रैड MLRS से ताबड़तोड़ बरसाए रॉकेट से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन के बैटलफील्ड में रशियन हरिकेन MLRS तबाही मचा रहा है। रशियन रक्षा मंत्रालय ने 220 mm रॉकेट से 35 किलोमीटर दूर यूक्रेनी पोस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक का वीडियो जारी किया है। मरीन कॉर्प के जवान यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूटे। दक्षिणी क्षेत्र में दुश्मन सेना के खिलाफ रूस ने ग्रैंड मिसाइल सिस्टम की बड़ी खेप उतारी है। टोही ड्रोन यूनिट से डेटा हासिल करने के बाद रुक रुक कर रॉकेट की बौछार होती है। ग्रैंड यूनिट के हमले से पूरा इलाका थर्रा उठता है। लुहांस के क्रेमेनिया में रशियन आर्टिलरी के हमले लगातार जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दुश्मन सेना के इक्विपमेंट, गोला बारूद और बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हमले की तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। सोलेदार क्षेत्र के बैटलफील्ड से रशियन आर्मी के आक्रामक हमले का वीडियो सामने आया है। रात के अंधेरे में तोपखाने से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर गोले बरसाए गए। ड्रोन से लिए गए वीडियो में विस्फोट और तबाही का मंजर देखा जा सकता है। बाखमुत के बैटल ग्राउंड में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। दावा है कि यूक्रेनी स्नाइपर ने करीब 2 मील की दूरी पर छिपे दर्जनों रूसी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेनी डिफेंस ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। वॉर कवर कर रहे रूसी मिसाइल हमले में बाल बाल बचा फ्रेंच पत्रकार। क्रेमेटोस्क में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार के पास मिसाइल गिरी। रिपोर्टर से कुछ मीटर दूरी पर बड़ा धमाका हुआ। क्रेमेटोस्क में अटैक का वीडियो भी सामने आया है। रूस यूक्रेन की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट सकता। यूक्रेन जंग में सब कुछ खो चुका है। वहीं पुतिन पीछे हटे तो उन्हें अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ेगी। यूक्रेन को झुकाने के लिए हाईटेक हथियारों से रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की बड़ी तैयारी का वीडियो सामने आया है। रूस के समारा में टैंक लेकर जाती दिखी ट्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन से 1200 किलोमीटर दूर दिखाई दिया है रूसी टैंक का काफिला। यूक्रेन पर बड़े अटैक के लिए रूस जमा कर रहा है विध्वंसक हथियार।